सनातन धर्म में राधा अष्टमी का दिन बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिन राधा रानी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इसी दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ अवसर पर राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो वहीं ज्योतिष गणना के अनुसार राधा अष्टमी पर कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना कहा जाता है माता किशोरी नाराज भी हो सकती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि इस वर्ष राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहा जाता है इस दिन कुछ खास नियम का पालन करने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं।